कि चक्री हुआ है छेला और पूरी पिक्चर पिट गई है। जो लोग वापस हाथ बांध के बैठ चुके हैं, मैं इनका भी आह्वान करती हूँ। इस पूरे पंडाल से तालियों की आवाज आनी चाहिए, फिर देखिए कैसे आनंद की यात्रा प्रारंभ होती है। हाँ। कि पूरी पिक्चर पिट गई, हीरो शोक मनाए, पूरी पिक्चर पिट गई, हीरो शोक मनाए, कन्याओं के जाल में फंस गए बाबा, हाय हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए, हाय बदनाम हो गए। ये आहा का ठेका आपको लगाना है, लगना चाहिए। काका जी आपको काकी जी की सौगंध है। ये काका जी का तलाक ही करा के जाएगी आए। आपको काकी जी की सौगंध है, वरना कल काकी जी आपका नागरिक अभिनंदन करेंगी घर जाकर। आपको ये देखिए, अब ये इसीलिए ताली बजा रहे हैं। ये पिछले दिनों मेले में घूमने गए तो खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखवानी है। अब इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। हो तो फिर अब पूरे पंडाल से तालियां आनी चाहिए, वापस प्रारंभ करते हैं। और ये आहा वाहा का ठेका आपको लगाते रहना काका जी। सुनिएगा कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती इटला, ऐसे नहीं काम चलेगा, तालियां तो पूरे पूरे सदन से एक साथ आनी पड़ेंगी। कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती इटला, छैल छबीली मोहिनी मदमाती इटला, 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा, कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा। और यहाँ जितने सारे ये पप्पू टाइप के लोग बैठे हैं, पप्पू, आपने अपने जीवन में प्यार जरूर किया होगा, और ये तीन पप्पू तो ऐसे हैं जो प्यार में अपनी जेबें भी खाली करते होंगे। ये वहीं से आ रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि यहाँ कई पप्पू ऐसे भी हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलवाते होंगे। जो हंस रहे हैं सब वही हैं, लेकिन बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात ये है साहब कि जमाना इतना खराब आ गया है कि वो गर्लफ्रेंड उसी बैलेंस से तीसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। तुम सब वही हो, तब पंक्तियां सुनना कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, आजकल की लड़कियों का है ये पैटर्न, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है, लड़कियां बड़ी ट्रेंड है, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है, लड़कियां बड़ी ट्रेंड है। और आइए 4 पंक्तियां अपने परिचय की निवेदन करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ, टटोलना चाहती हूँ कि आप किस विधा को सुनना चाहते हैं। स्वागत स्वागत। कि सबसे प्रथम निज धर्म माता भारती की, नित्य आरती उतारो बोल वंदे मातरम। वाह वाह वाह। भाई शंकर सुखवाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, आदरणीय शर्मा जी का, जिन्होंने लेकिन ध्यान रखना स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। क्या होता है, इंजन खराब होने से, चेचिस खराब होने से कुछ भी नहीं होता, इंजन टनाटन होना चाहिए। सुनिएगा, ये ठाकुर जी का दरबार है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ, इस वार्ता को यही समाप्त करना चाहती हूँ। सुनिए, मतलब फिर वही घिसी पीटी टिप्पणी करनी पड़ेगी कि इतने मासूम और भोले लोग हो कि रामलाल की बारात में जाओ, श्यामलाल के यहाँ बढ़िया बैंड बजे तो वहां नाचने लग जाओ, और तुम दोनों तो पत्नी के खूब सताए हुए दिख रहे हो।
हाँ ये क्या है, मेवाड़ के लोग हैं, वो अभी गेम चल रहा है, वो ब्लू वेल गेम कौन सा चल रहा है, जिसकी 50वीं स्टेज में सुसाइड करने के लिए कहा जाता है। अब सब डरे हुए, लेकिन मेवाड़ के लोग नहीं डरते। ये इतने बढ़िया चालाक लोग हैं कि शादी होते ही अपनी पत्नी के मोबाइल में गेम डाउनलोड कर देते हैं। लेकिन सुनना, मैं अंतिम पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि इन पंक्तियों पे पूरे पांडाल से मुझे आशीर्वाद और समर्थन मिलना चाहिए कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। बस यही खत्म कर दो बात, अब और क्या होगा। सुन लो, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम हो किसकी तरफ। मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ, आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हुए। शर्मा जी, इनके भरोसे चुनाव लड़ मत लेना, नहीं तो ये वो लोग हैं जिसका फॉर्म ये जमा करवाने जाए उसकी जमानत भी ये जब्त करवाए। इन्होंने कहा अंतिम जवाब अंतिम मैं देता हूँ, एक गारंटी लेता हूँ, इन्होंने कहा चार में चार नहीं साढ़े तीन पंक्ति पढ़ूंगा, दावा करता हूँ आखिरी आधी पंक्ति आप सब बोलोगे, और जवाब अगर भारी हो जाए तो फिर दोनों हाथ हवा में लहराते हुए तालियां वो बजाना जो अभी तक न बजी हो। इन्होंने जो कहा उसका जवाब दे रहा हूँ आपकी तरफ से कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी यद्रो की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ, बस समझ लेना। अब आपकी तरफ से मेवाड़ की तरफ से पढ़ रहा हूँ पंक्तियाँ कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी यद्रो की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ, तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ, और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए, ये सारी बातें आपसे जुड़ने जुलाने की थी। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन कविताओं के लिए जानी और मानी जाती है, ये बातें उनमें कहीं शामिल नहीं होती है। मुझे बुद्धि प्रकाश जी हैं जबरदस्ती मेरी कब्र खुदवाने के लिए फंसा गए। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रेरणा ठाकरे जी को आदेशित करें कि वे उन कविताओं का पाठ करें जिनके लिए वे जानी